हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वड़कम बनारस कैसे हैं आप। देखिए भाई, सबसे पहले आप सभी को महाशक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, नवरात्र शब्द से नव अहोरात्रों, नई या विशेष रात्रियों का बोध होता है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर हम ध्यान दें तो दीपावली, होलिका दहन, शिवरात्रि और नवरात्र, इन उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। अगर इन पर्वों में रात को ना जोड़ा जाता तो शिव दिन या शिव दिवस कहा जाता। शिव और शक्ति से जुड़े धर्म में रात्रि का विशेष महत्व है, तो वैष्णव धर्म में दिन का। श्रोताओं, व्रत और उपवास भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखते हैं। ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के साधन माने जाते हैं। व्रत का अर्थ होता है किसी उद्देश्य या संकल्प को लेकर भोजन, जल या अन्य भोगों का त्याग करना। व्रत का उद्देश्य आत्मसंयम, भक्ति और श्रद्धा को बढ़ावा देना होता है। व्रत जीवन के नैतिक और धार्मिक मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही संकट के समाधान और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए होते हैं। व्रत और उपवास अक्सर एक दूसरे के पर्याय के रूप में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें सूक्ष्म अंतर है। व्रत का अर्थ है किसी कार्य को संकल्प पूर्वक करना, जबकि उपवास का मतलब भोजन या पेय का त्याग कर भक्ति करना है। उपवास का उद्देश्य शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी होता है। जी हाँ, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शांति का अद्भुत संगम है व्रत और उपवास। 9 दिन माँ की पूजा अर्चना के व्रत के इन दिनों में खान पान का भी ध्यान रखना है। इन दिनों क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और किस प्रकार पोषण का ध्यान रखना है, ये भी जरूरी है। ऐसा आहार चुनें जिसमें सेवन की नियमितता हो, ताकि पूरे नवरात्र में ऊर्जा का स्तर सही बना रहे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है और ये बदलता मौसम अक्सर बीमारियों का घर होता है। आज नवरात्रि का पहला दिन यानी देवी शैलपुत्री का दिन है। शैलपुत्री माँ दुर्गा के 9 रूपों में प्रथम है, इसीलिए इनकी उपासना पहले दिन की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार शैलपुत्री पूर्व जन्म में सती नाम से विख्यात शिव पत्नी थी। एक बार उनके पिता दक्ष ने यज्ञ आयोजित किया, लेकिन शंकर का अपमान करने के उद्देश्य से उसमें उन्हें आमंत्रित नहीं किया। पिता के यहाँ आयोजन होता देख सती बिना आमंत्रण के शिव के मना करने के पश्चात भी चली गईं, जहाँ पिता ने उनका अपमान किया। दुखी होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अग्नि संस्कार कर अपने आत्मस्वरूप को भौतिक शरीर से अलग कर लिया। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया और पार्वती कहलाई। उन्होंने कठोर साधना कर शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। इस पावन विवाह तिथि को हम शिवरात्रि के रूप में मानते हैं। बहरहाल, आज नवरात्रि के पहले दिन यही प्रार्थना है कि सभी की मनोकामना पूरी हो, क्योंकि माँ के आगमन का उत्सव है नवरात्रि। शैलपुत्री के प्रथम दिन से माँ गौरी के अंत दिन तक 9 दिनों के यश का उत्सव है नवरात्रि। एक कलश में स्थापित होते संकल्प से होती शक्ति, पूजा प्रण का, माँ के होने के विश्वास का उत्सव है नवरात्रि। वो उत्सव जिसकी सिद्धि का दिन बताता है कि अन्याय कितना भी बड़ा हो, विजय की दशमी माँ की पूजा से ही होती है। ट्यून किया है आपने आकाशवाणी वाराणसी FM और आप सुन रहे हैं RJ सना को। You are listening RJ सना। Good morning बनारस। अनादि देवी अम्बिके तुम्हें सतत प्रणाम है। अनादि देवी अम्बिके तुम्हें सतत प्रणाम सतत प्रणाम है, तुम्हें सतत प्रणाम है, तुम्हें सतत प्रणाम है, तुम्हें सतत प्रणाम है। अनादि देवी हम
अंबिके तुम्हें सतत प्रणाम है। और श्रोताओं, शारदीय नवरात्र से जुड़ी कुछ और खास बातें बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बनारस के विद्वान पंडित उमंगनाथ शर्मा जी। तो आइए सुनते हैं कि वो हमसे क्या कह रहे हैं। 3 अक्टूबर 2024 से 9 दिन के लिए शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। यद्यपि ये तो 9 दिन का नवरात्र जरूर है, लेकिन इसमें चतुर्थी की वृद्धि हो रही है और नवमी की हानि हो रही है। तो इसमें विशेष रूप से कलश स्थापन के लिए 3 तारीख को सूर्य उदय के बाद से ही दोपहर 3 बजे के लगभग तक कलश स्थापन की व्यवस्था इसमें बनी हुई है। और बाकी व्रत का क्रम तो वो दोनों साथ ही साथ चलेगा, तिथि के अनुसार। चतुर्थी का व्रत चतुर्थी को, और दूसरी जो चतुर्थी पड़ रही उस दिन पंचमी का व्रत संभव है। कुछ लोग जो है उसमें महानिशा की पूजा करते हैं, जो अष्टमी जो है 10 तारीख को मान्य होगी। अक्टूबर 10 अक्टूबर को महानिशा पूजा और अष्टमी का मान होगा, और 11 तारीख को अष्टमी का हवन भी होगा और नवमी का भी हवन होगा। इसके पश्चात 12 को जो लोग व्रत रहते हैं उनका पारायण हो। फिर नवरात्र साधना और भक्ति का पर्व है, और वर्ष में 4 नवरात्र की व्यवस्था दी गई है। 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, 2 उदय नवरात्र होते हैं, 1 चैत्र नवरात्र होता है, ये शारदीय नवरात्र होता है। इसमें विभिन्न सात्विक अनुष्ठानों के लिए भी नवरात्र का महत्व है। इनके अतिरिक्त इसमें तंत्र साधना, यंत्र साधना या और वांग मार्ग के भी जो साधक हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इसमें परंपरागत 9 दुर्गा का आवाहन, पूजन, स्थापन, और काशी में तो अलग अलग 9 दिन में 9 दुर्गा का भी दर्शन का विधान है, एवं गौरी 9 गौरी के भी दर्शन का विधान इसमें बना हुआ है। ये इस तिथि के अनुसार देवी का आगमन डोले पे हो रहा है, और जो बहुत शुभ आगमन का संकेत मिलता है, इससे हमारे देश में उन्नति, विकास एवं अन्य क्षेत्र में आर्थिक पक्ष में विकास के पूरे पूरे संकेत मिलते हैं। उपवास के लिए तो व्रत के विधि विधान अलग अलग हैं। नवरात्रि में कठिन उपवास और व्रत रखने का महत्व है। उपवास रखने में अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई भी हो जाती है। इन 9 दिनों में बहुत सी चीजों का व्रत के मध्य निषेध रहता है। मद्यपान, मांस भक्षण, स्त्री संग शयन वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि उपवास रख के साधना करने से देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को उसके मनोकामना पूर्ति में सहायक होती हैं। इस शारदीय नवरात्र के पर्व पे हम सभी के लिए शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। देश, समाज और व्यक्ति विशेष की उन्नति हो, ऐसा मान के इस उत्सव को उल्लास पूर्वक मनाइए, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी वाराणसी FM। तारीख है आज 3 अक्टूबर 2024 और दिन है आज गुरुवार का। तो चलिए अब देख लेते हैं पहले कि क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में। खास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल बुधवार को वाराणसी की बड़ी आबादी को पेयजल योजना की सौगात दी। कई शहरों की परियोजनाओं में शामिल काशी की पेयजल योजना का वर्चुअली शिलान्यास किया। काशीवासियों को 171 करोड़ रुपए के ट्रांस वरुणा क्षेत्र के 9 विस्तारित क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजना दी। वहीं 96 करोड़ के 9 विस्तारित क्षेत्र सूजाबाद में सीवर हाउस कनेक्शन और अन्य बुनियादी कामों का शिलान्यास किया। वाराणसी से मेयर अशोक तिवारी दिल्ली में कार्यक्रम में शामिल हुए। जल कल परिसर भेलूपुर में सुबह 10 बजे जनप्रतिनिधियों के अलावा अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि प्राइम मिनिस्टर सर 20 अक्टूबर को काशी के 2 दिवसीय दौरे पर आ सकते हैं, जिसमें 1000 करोड़ से अधिक की योजनाएं बनारस को मिलेंगी। इसके साथ ही शारदीय नवरात्रि को लेकर शहर से लेकर गांव तक धूम है।
श्रद्धालु साफ सफाई और पूजा के सामान की खरीदारी करने में जुटे हैं। वहीं शहर में दुर्गा पूजा पंडालों में 550 महिला पुलिसकर्मी सुरक्षा की कमान संभाल रही हैं। साथ ही ड्रोन से निगरानी हो रही है। LIU को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में दुर्गा पूजा को लेकर विशेष सुरक्षा का खाका खींचा गया है। शहर में 648 पूजा पंडाल हैं। इसके साथ ही भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कल बुधवार को दुनिया के शीर्ष तेज गेंदबाज बन गए। उन्होंने रविंद्र अश्विन को पीछे छोड़ दिया। दिग्गज गेंदबाज ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई दो मैचों की टेस्ट सीरीज में अपने सनसनीखेज प्रदर्शन के दम पर ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को भी टेस्ट रैंकिंग में फायदा हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड की 4 कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्रों के निर्माण की शुरुआत की। ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर देशभर में कई CBG संयंत्रों के लिए आयोजित भूमि पूजन समारोह का हिस्सा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। प्राइम मिनिस्टर सर ने भोपाल में भी एक संयंत्र का उद्घाटन किया। इससे सतत और परिस्थिति की सम्मत ऊर्जा परिदृश्य को बढ़ावा दिया जा सकेगा। असम में प्रमुख OIL परियोजनाएं गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में स्थित हैं। और बनारस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश भर में कल स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता संबंधित बहुत सारे कार्य किए गए। इसी कड़ी में मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी हिमांशु नागपाल ने भी बनारस की जनता से स्वच्छता के लिए अपील करते हुए कहा, पूरे जनपद में सफाई की एक अभियान चलाया जा रहा है। सभी सरकारी कार्यालयों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जन सहभागिता से अलग अलग ग्राम पंचायतों में, सभी वार्डों में एक नियमित रूप से जो स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत सफाई का अभियान 17 से चल रहा था, उसके लिए एक विशेष आयोजन हर ग्राम पंचायत में और हर वार्ड में इस गांधी जयंती के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कराया जाएगा। सभी सफाई मित्रों को एक स्वच्छता किट दी जा रही है। सभी सरकारी कार्यालयों में जो निष्प्रयोजित हमारी पुरानी चीजें पड़ी थी उन्हें क्लियर कराकर उन्हें स्वच्छ किया जाएगा। स्कूली बच्चों के द्वारा अपने स्कूलों के अंदर भी सफाई कार्यक्रम कराए जाएंगे। इसी कड़ी में सभी जनप्रतिनिधि भी हमारे जिला वाराणसी के अपने अपने जन विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम करेंगे, स्वच्छता का संदेश लोगों को देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो जनपद वाराणसी में अलग अलग स्वच्छता संबंधित कार्यक्रमों की शुरुआत की है, उसे हम इस दिन को और आगे लेके जाएंगे। जनता से यही अपील है कि स्वच्छता से संबंधित जो कार्यक्रम आपके जिलों में, आपके क्षेत्रों में चल रहे हैं, चाहे वो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम हो तो, और आपके घरों में ही कंपोस्टिंग का काम हो, या आपने मोहल्ले के घर के आसपास के जगहों को स्वच्छ रखने का काम हो, तो कितना भी सरकार कर ले, अगर आप उस कार्यक्रम से नहीं जुड़ेंगे, स्वच्छता के कार्यक्रम से नहीं जुड़ेंगे, तो सभी उद्देश्य इसका कोई परिणाम नहीं आएगा। तो सभी नागरिकों से यह अनुरोध है कि अपने घर में जो सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा, इन्हें अलग अलग बाल्टियों में रखें। कूड़े को जो डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ी आती है उसी में ही डालें। साथ ही साथ अपने घर में जो गीला कूड़ा बनता है उसे जो मटका विधि से कंपोस्ट बनाया जाता है उससे आप उसकी कंपोस्टिंग का काम करें, और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, और अपने घर के आसपास के क्षेत्रों को साफ रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो इस वर्ष एक पेड़ माँ के नाम ये इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जो हमारा कार्बन सिंक, ताकि हम बढ़ा पाए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण को दे पाए, इसके तहत वाराणसी में भी अब तक 20 लाख पौधे हम लगा चुके हैं, और लगातार पूरे नगर क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम चल रहा है। फिर माँ के नाम सभी व्यक्तियों से हम अनुरोध करेंगे कि अपने घरों में एक एक पौधा अपने अपने माओ के नाम आप लगाएं, और उन्हें सुरक्षित रखें, उन्हें भविष्य की अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि वो उन्हें स्वच्छ वायु दे सके, छाया दे सके, फल दे सके। तो जी, ये रहा देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री ऑफ टुडे, दैट इज 3rd of October। कोलकाता में पहला और दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म ईयर 1978 में हुआ। भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी के लिए 1984 में रवाना की गई।
बल्लेबाज शाहिद अफरीदी ने 1995 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 37 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रचा। पेंटर बाबू के नाम से चर्चित चित्रकार वसील ने 2011 में दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश देने के लिए अपने खून से महात्मा गांधी का चित्र बनाया। और बर्थडेज की बात की जाए बनारस, तो आज भारतीय फिल्म निर्देशक जेपी दत्ता का जन्म 1949 में हुआ और भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन कादम्बिनी गांगुली ने 1923 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और अब इसी के साथ बनारस मेरे भी जाने का वक्त हो गया है। मैं मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। सो हेयर आरजे सना इज साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। शारदीय नवरात्रि की एक बार आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। Good morning, Banaras.